हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? चल रहा है सीजन त्योहारों का। जी हाँ, दीपावली का त्योहार सब मना रहे हैं, और जैसे ही दिवाली का त्योहार आता है तो पटाखों की बहार होती है और साथ ही बहार होती है मिठाइयों की। मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका एक नए ब्लॉग के अंदर, और इस ब्लॉग के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं मेरी माता श्री की जो एक खास रेसिपी है। जी हाँ, हर त्योहार के मौके पर जो माता जी बनाती है बेसन की चक्की, आज वो रेसिपी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। वैसे तो दीपावली का त्योहार जा चुका होगा जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे, लेकिन त्योहार तो आते ही रहते हैं ना, तो इसलिए जब भी आपका मन करे तब आप बना सकते हैं घर के अंदर मेरी फेवरेट माताश्री वाली ये जो रेसिपी वाली है बेसन की चक्की। और साथ ही आपको बताऊंगा मम्मी और क्या क्या बनाती है दीपावली हो या हो होली, इन सभी त्योहारों के मौकों पर। सभी को हैप्पी दिवाली। तो मम्मी ने सबको विश कर दिया है, आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो मम्मी, आज आपकी ये जो सीक्रेट रेसिपी है ये पूरी दुनिया जानने वाली है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी तो आप खाओगे और देख के और भी बच्चे खाएंगे, उनको अच्छा लगेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और वैसे भी ज्ञान बांटने से हाँ, बढ़ता फिर बढ़ता है। ही है। सही है। तो वैसे मुझे लगता है आज आपको भी सबको एक बात बोल देनी चाहिए, हमेशा मम्मी क्यों बनाए। मम्मी क्यों बनाए, खुद भी बनाओ, ट्राई करो। बच्चे भी ट्राई करेंगे इस बार, और मम्मी को खिलाएंगे। मम्मी को खिलाएंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा किचन के अंदर। आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर माता जी ने क्या किया है। सबसे पहले मैदा लेकर उसके अंदर तेल का मूरण दिया है और पानी के साथ इसको गूंद कर इस तरीके से बना लिया गया है, और फिर इसे बेलन की सहायता से बेला गया है। तो इसको बेलने के बाद में ऐसे माता जी इसे काट रही हैं, लंबाई में काटा गया है इसे, फिर इसका साइज थोड़ा छोटा किया जाएगा। मैं बनी के लिए पेठे बना रही हूँ। बनी खाएगा? बनी पेठे खाएगा? माँ बनी पेठे बनाएगा। बनी पेठे खाएगा? बनाएगा, बनी खाएगा। बना लो बना लो बना लो। बनी बनाएगा। तो इस तरीके से इनका साइज जो है छोटा कर दिया गया है, और ये जो बचे हुए टुकड़े हैं इनको फिर से ऐसे बेलने के लिए तैयार किया जा रहा है। वेस्टेज इसमें कुछ भी नहीं होनी चाहिए, इसे ही प्रॉपर गोल बनाया जाएगा और बेला जाएगा, और फिर इसकी कटिंग होगी। ये देखिए, अच्छा खासा जोर लगाना पड़ता है। मैं शूट कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं भी मम्मी के साथ में ऐसे बनाता, कई बार बनाए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है मठरी नमकीन है ये, और ये है नमक पारे। शक्कर पारे अलग होते हैं, ये नमक वाले हैं, इसलिए नमक पारे, इनको फ्राई किया जाएगा। और ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फ्राई किए जा चुके हैं इस तरीके से, ये देखिए। और ये वाले जो हैं ये हैं पेठे। जी हाँ, जो मीठे पेठे होते हैं चाशनी वाले, अब इनमें चाशनी लगाई जाएगी। हर बार मम्मी हर त्योहार पे ऐसे ही बनाती है मिठाइयाँ घर पे, और मम्मी की बनाई हुई मिठाइयाँ ही हमें सबको पसंद है। देखिए, ध्यान से डालना होता है क्योंकि तेल एकदम गर्म होता है। तो ये देखिए, अब पेठे जो हैं चाशनी के अंदर डाले जा चुके हैं, चाशनी मिलाई जा रही है, और यह बहुत जल्दी सूखती है इसलिए इसे प्रॉपरली मिलाना होता है। और उसके बाद में जब इसे खाते हैं तो मीठा मीठा स्वाद आता है जो हमें तो हमेशा याद रहता है। बनाने का काम मम्मी ने किया, लेकिन अब जो है जिम्मेदारी चाशनी वाली रेणु निभा रही है। ये देखिए, सूख रही है ये धीरे धीरे। तो सबसे पहले गैस पे कढ़ाई को रखा है मम्मी ने, और अब इसमें डाला जा रहा है देसी घी। इसको बनाने में थोड़ा समय लगता है, और इतनी देर खड़े रहना मम्मी के लिए पॉसिबल है नहीं, इसीलिए इसको यहाँ रख लिया गया है चौक के अंदर। क्या है आपके पास में हाथ में माता जी? इसमें थोड़ा पानी डालूंगी, घी में बेसन डालूंगी। हाँ, जिससे कि सॉफ्ट हो जाएगी थोड़ी। तो पहले तो घी को गर्म करेंगे ना, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, उछलेगा नहीं। हल्का सा इसको गर्म किया, और अब इसमें डाला गया है 1 गिलास पानी। और ये कितना बेसन है? ये 1 किलो। 1 किलो बेसन है ये, और जो आपने घी लिया है वो भी देसी घी लिया है, 1 किलो है वो भी। घी लगेगा इसमें 3 पाव।
खास बात यह है कि जब आप इसमें पानी मिलाएं तब घी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो उछलेगा फिर। अब मिलाया जा रहा है बेसन इसके अंदर। इसे अच्छे से मिलाना होगा और फिर इसकी सिकाई करनी होगी। क्यों माता जी? हाँ जी, जो जो सिकाई होगी घी छोड़ता जाएगा बेसन। अभी थोड़ा लग रहा है टाइट। सिकाई होने पर ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए अब सॉफ्ट हो गया है ये। जैसे जैसे इसकी सिकाई हो रही है ये घी छोड़ता जा रहा है। इसे अच्छे से पकड़ना होता है कढ़ाई को। माता जी इसकी सिकाई कितनी देर होगी? लगभग आधा घंटा। आधा घंटा सिकाई होगी। कम आंच में करना पड़ता है ना, धीमी आंच। उसके बाद मावा थोड़ा सेक के इसके अंदर मिला देंगे, बाद में चीनी की चाशनी बना के जमा देंगे। अच्छा, इस तरीके से बन जाएगी। हाँ, तो लगभग पूरी प्रोसेस के अंदर माना जाए तो मतलब डेढ़ से दो घंटे तो मान लीजिए। हाँ, एक घंटे तो मान लो। चाशनी बनने में भी टाइम लगता है? चाशनी में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, एक घंटे में तैयार? हाँ, हो जाएगी। एक घंटे में तैयार हो जाएगी। सिकाई हो रही है और मुझे भी जो है घी की खुशबू आ रही है। और यहाँ है इस कढ़ाई के अंदर 1 किलो मावा। इसे भी हल्का गर्म किया जाएगा, उसके बाद में मिलाया जाएगा इसे बेसन और घी के मिश्रण के अंदर। और यहाँ है 1 किलो चीनी जो इसमें मिलाई जाएगी। माँ क्या बना रही है? ये बनी के लिए बेसन की चक्की बना रही है माँ। बनी खाएगा? हाँ, स्वीट स्वीट। मम्मा खाएगी, मम्मा भी, पापा, बड़े पापा भी खाएंगे, बाबा भी खाएंगे, दादी भी खाएंगे, और डैडी भी खाएंगे, और डैडी। हाँ, बनी भी खाएगा। हाँ। सिकाई करते हुए लगभग 15 मिनट का समय हो गया है और 15 मिनट का समय और लगेगा। क्यों माता जी? हाँ, ये देखिए येलो येलो बेसन अब हो चुका है बादामी। इसकी सिकाई हो चुकी है पूरी और अब इसमें मिलाया जाएगा मावा। बेसन की कढ़ाई जो है वो शिफ्ट हो चुकी है दूसरी तरफ और उसकी जगह आ चुकी है मावे वाली कढ़ाई। और ये देखिए अब मावे की सिकाई हो रही है धीमी आंच पर। इसे थोड़ा खोला जा रहा है। कितनी देर सेकना होता है माता जी इसको? बस थोड़ा सा, 10-1 मिनट। मावे की सिकाई के बाद में अब मावा इसमें डाला जा चुका है बेसन के अंदर और अब मिलाया जा रहा है ऐसे। फिर इसमें मिलाई जाएगी चीनी से तैयार चाशनी और जमा दिया जाएगा इसे जो किनारे वाली थाली होती है, थाल जिसे कहते हैं, उसके अंदर। ऊपर से इलायची बुरका देंगे, ड्राई फ्रूट बुरका देंगे। 1 गिलास पानी के अंदर 1 किलो चीनी डाली जा चुकी है और तैयार हो रही है चाशनी। बेसन और मावे का जो मिश्रण था उसे थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख दिया गया है ताकि आराम से वह जम जाए, क्योंकि अगर गर्म रहेगा तो जो घी है वह बाहर आ जाएगा और चक्की पूरी तरीके से जम नहीं पाएगी। इसे थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख दिया गया है। तब तक यहां तैयार हो जाएगी मीठी मीठी चाशनी। और यहाँ जो आप देख रहे हैं इस कटोरी में, आप समझ रहे होंगे सरसों का तेल है। जी नहीं है, सरसों का तेल नहीं है, बल्कि जो खाने का रंग होता है वह है। इसे भी चाशनी में मिलाया जाएगा और साथ इसमें डलेगी इलायची। जी हाँ, इसे जमाने के बाद में बुरका दिया जाएगा ऊपर से। अब इसमें मिलाया जा रहा है थोड़ा सा दूध, बहुत ज्यादा नहीं डाला है चाशनी के अंदर, थोड़ा सा ही। जो चीनी के अंदर जो भी कालापन होगा वह इससे बाहर आ जाएगा। दूध डालते ही देखिए ऐसे झाग बनने स्टार्ट हो जाते हैं और अब इन झाग को निकाल लिया जाएगा। इसमें जो कालापन होगा वो झाग के साथ निकल जाएगा सारा, इस तरीके से जैसे मम्मी अलग कर रही है चम्मच की मदद से। इस तरीके से अलग निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं ये काला है। और अब ये देखिए, देख रहे हैं आप इसका रंग है ना सफेद। ये है वो थाल जिसके अंदर चाशनी के अंदर ये बेसन वाला जो है मावे का मिश्रण मिलाने के बाद में जमाया जाएगा चक्की को। जी हाँ, चक्की का रूप ले लेगा ये तब। और उससे पहले इस थाल के अंदर नीचे लगाया जा रहा है घी ताकि वह चिपके नहीं, आसानी से अलग हो जाए।
इस तरीके से फैला दिया है। और बचपन से ही ऐसे मम्मी के हाथ की बनाई हुई जो है मिठाइयाँ खाते आ रहे हैं, तो इसके अलावा कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। अब ये नहीं कहूँगा कि बाहर वाली खराब होती है, लेकिन इसके सामने वह 19 ही होती है। ये देखिए, एक तार जो होता है ना वो बनना चाहिए, तो एक तार की चाशनी। अब इसमें मिलाया जा रहा है रंग, खाने वाला रंग होता है, ये नहीं कि आप सोचें कि कोई भी रंग मिलाया जा सकता है, जो एडिबल कलर्स होते हैं वही मिलाए जाते हैं। बालको चाशनी रेडी से, जी हाँ चाशनी हो चुकी है तैयार, और अब है ये इस बेसन और मावे के मिश्रण में जाने के लिए बेकरार। ये देखिए अब मिलाया जा रहा है बेसन और मावे के मिश्रण को, अच्छे से मिक्स किया जाएगा इसे, और फिर जमा दिया जाएगा इसे किनारे वाली थाली जिसे हम थाल कहते हैं उसके अंदर। फटाफट फटाफट आपको ऐसे इसको हिलाना होगा, क्योंकि चाशनी जो है बहुत जल्दी सूखती है, गाढ़ी होती है। ये देखिए अब इसमें जमाया जाएगा ऐसे निकाल कर, ये देखिए ऐसे फैला दिया जाएगा इस तरीके से, हिला हिला के इसका लेवल बराबर किया जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से जमाया जा चुका है इसे, अब इसके ऊपर इलायची बुरका दी जाएगी और तैयार हो जाएगी हमारी बेसन की चक्की। तो लीजिए, लगभग 1.5 घंटे के समय के अंदर इस तरीके से तैयार हो चुकी है बेसन की चक्की। तो चक्की जम चुकी है और यूं काटा जा रहा है, माताजी ने इनको यूं काट दिया है और अब अलग अलग पीस हो जाएंगे। ये देखिए खाने के लिए है तैयार। उम्मीद करता हूं मेरी माताश्री वाली ये जो बेसन की चक्की वाली रेसिपी है आपको भी पसंद आई होगी, आप खुद भी ट्राई करना चाहेंगे, आपकी मम्मी भी बना सकती है और आप चाहें तो खुद आप भी बना सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी, 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा, लेकिन उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा आपके हाथ की बनाई हुई जब खाएंगे बेसन की चक्की तो सब करेंगे आपकी तारीफ, है ना। तो इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है, आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, और साथ ही कमेंट करके पहुंचाने आपके विचार मुझे तक। इस व्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दें और साथ ही प्रेस कर दें बेल आइकॉन और चुन ले ऑल वाला ऑप्शन। इसके फायदे ये होंगे भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि अच्छा पहनते रहिए, अच्छा खाते रहिए, घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।